आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ झिंगुनी चना दाल सब्जी की रेसिपी। इस सब्जी की खास बात यह है कि इसमें हम बिल्कुल भी मसालों का इस्तेमाल नहीं करेंगे और बहुत ही कम तेल में ये टेस्टी और हेल्दी सब्जी बनके तैयार होती है। और स्पेशली ये जो झिंगुनी है ना, गर्मी के मौसम में ही मिलता है और बिहार में लोग इसे बहुत ही शौक से बना के खाते हैं। तो चलते हैं आज की इस रेसिपी को बनाने के लिए। सब्सक्राइब बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। सब्जी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 किलो झिंगुनी लिया है और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे लिया है 1/2 कटोरी भिगोया हुआ चने की दाल। दाल को मैंने 3-4 घंटे के लिए पानी में भिगो के छोड़ दिया था। दाल यहाँ पर अच्छे से फूल गया है। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले इसे छील लेना है। इसके ऊपर का जो छिलका होता है वो काफ़ी मोटा होता है। अगर इसी के साथ सब्जी आप बनाएंगे ना तो जो छिलका है वो मुंह में छन जाएगा, सब्जी का जो स्वाद है वो सही नहीं आएगा। तो इसे पहले आप छील लें उसके बाद ही बनाएं। तो इसे मैंने छील लिया है, उसके बाद मैंने पानी से अच्छे से धो लिया है क्योंकि झिंगुनी में अपना भी काफ़ी पानी होता है और सब्जी को काटने के बाद अगर आप धोते हैं ना तो इसे पकाने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो पहले धो लें उसके बाद काटें। तो यहाँ पे मैंने इसे गोल गोल काटा है, चाहे तो आप लंबे आकार में भी काट सकते हैं। और इसे मैंने रफली ही काट लिया है, थोड़ा सा मोटा, क्योंकि ये आसानी से गल जाता है और गलने के बाद आपको नहीं पता चलेगा कि आपने इसे मोटा काटा था या बारीक। तो जैसे चाहें वैसे इसे काट सकते हैं। तो चलते हैं सब्जी को अब बनाने के लिए। कढ़ाई में लगभग 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल डाल के उसे अच्छे से गर्म कर लें। बिहार में स्पेशली इस सब्जी को बनाने के लिए लोग सरसों तेल का इस्तेमाल करते हैं और सरसों के तेल में सब्जी का स्वाद ज़्यादा अच्छा आता है। ध्यान रखिएगा कि इस सब्जी को बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं होती है। कम तेल में ये सब्जी बन के तैयार हो जाती है और टेस्टी के साथ साथ काफ़ी हेल्दी भी होती है। जैसे ही तेल गर्म हो जाए यहाँ पर आप 1 तेज़पत्ता तोड़ के डाल दें। 1/2 छोटा चम्मच आपको यहाँ पर डालना है साबुत जीरा। 3 से 4 हरी मिर्ची को आप यहाँ पे काट के डाल दें। मिर्ची आप अपने तीखे के अनुसार भी इसमें डाल सकते हैं, जितना आप तीखा खाना पसंद करते हैं। जीरा यहाँ पे अच्छे से चटक गया है और जो मिर्ची है वो भी यहाँ पे भुन गई है। अब आपको यहाँ पे डालना है 4 मीडियम आकार के कटे हुए प्याज। इस सब्जी में हम थोड़े से ज़्यादा प्याज का इस्तेमाल करते हैं, स्वाद बहुत लाजवाब आता है। प्याज को आप 2 से 3 मिनट तक मीडियम आंच पे भून लें या इसे आप तब तक भूनें जब तक कि प्याज आपकी अच्छे से नरम ना हो जाए। प्याज जल्दी से पक जाए और नरम हो जाए इसलिए यहाँ पे 1/4 चम्मच मैंने नमक डाल दिया है। बाकी नमक का इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। प्याज यहाँ पे अच्छे से नरम हो गई है, इससे ज़्यादा हमें प्याज को नहीं पकाना है। अब हम क्या करेंगे कि हमने जो झिंगुनी को पहले काट के रखा था उसे डाल देंगे। इसी के साथ हम भिगोया हुआ चने का दाल भी डाल देंगे। अब आप क्या करें कि सब्जी को अच्छे से मिक्स कर लें और अभी आप देख सकते हैं कि इसमें से पानी नहीं निकल रहा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे ना कि गैस का आंच मीडियम से लो के बीच में कर देंगे और इसे ढक के 5 से 7 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे। क्योंकि यहाँ पे अगर आप गैस का आंच तेज कर देंगे ना तो सब्जी आपकी जलने लगेगी। 7 मिनट बाद जब आप इसे खोल के देखेंगे ना तो ये देखिए सब्जी में से पानी निकलना शुरू हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे कि स्वाद के अनुसार यहाँ पे नमक डाल देंगे। तो मैं यहाँ पे 1 छोटा चम्मच नमक डाल रही हूँ क्योंकि स्टार्टिंग में भी हमने थोड़े से नमक का इस्तेमाल किया है। साथ ही साथ 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दें। इस सब्जी में अगर थोड़ा सा भी नमक ज़्यादा हो जाए ना तो सब्जी का जो मज़ा है ना वो किरकिरा हो जाता है, क्योंकि इस सब्जी में एक अपना ही मिठास होता है। जैसे हम तोरी की सब्जी बनाते हैं और तोरी में हल्का सा मीठेपन का टेस्ट होता है ना, वैसा ही इस सब्जी में भी होता है। तो नमक का खास ध्यान रखें, बहुत ही हिसाब से नमक डालें और बहुत ही हेल्दी तरीके से बना रहे हैं तो इसमें बिल्कुल भी मसाले का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और टेंशन मत लीजिएगा, बिना मसाले की ये सब्जी बहुत स्वादिष्ट बन के तैयार होती है। तो बस अब आप इसे ढक दें और ढक के इसे 10 से 12 मिनट तक पकने के लिए छोड़ दें। लेकिन हाँ, गैस का आंच मीडियम से लो के बीच में ही रखिएगा क्योंकि तेज़ आंच पे पकाएंगे ना तो ये जो झिंगुनी है ये तो फटाफट से गल के पक जाएगी, लेकिन जो हमने इसमें चने का दाल डाला है ना वो नहीं पकेगा। तो सब्जी को पकते हुए यहाँ पे 12 मिनट हो गए हैं और ये देखिए झिंगुनी यहाँ पे हमारा अच्छे से गल गया है। चने का दाल भी अगर आप हाथ से दबा के देखेंगे ना तो अच्छे से पक गया है, लेकिन सब्जी में अभी आपको थोड़ा सा पानी दिख रहा होगा तो इसे 2-3 मिनट हम और पका लेंगे ताकि इसका पानी सूख जाए। और ये देखिए सब्जी का जितना एक्स्ट्रा पानी था यहाँ पर अच्छे से सूख गया है। तो बस अब आपको यहाँ पर गैस बंद कर देना है और ये हमारी झिंगुनी चना दाल की सुपर टेस्टी सब्जी बनके तैयार है गर्मा गर्म सर्व करने के लिए।
इतनी सब्जी में परिवार के 3 से 4 लोग बहुत ही आराम से खा लेंगे। आप इस सब्जी को रोटी, पराठा या फिर चावल किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो। रेसिपी को बनाने में अगर आपको कोई भी समस्या आए तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जल्द से जल्द आपके सवालों का जवाब दे सकूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय मुझे देने के लिए। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ रेसिपी मंत्रा में। तब तक के लिए बाय बाय।